सूक्ष्म प्रयोगशाला क्रिमी सी एलिगेंस का जीवन पृथ्वी पर बस कुछ ही हफ्तों बराबर होता है। कछुए से इसकी तुलना करें जिसकी उम्र 100 वर्षों से अधिक की हो सकती है। मूषक और चूहे सिर्फ 4 साल जीते हैं, जबकि पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनपाई बोहेड व्हेल की मृत्यु 200 वर्ष बाद हो सकती है। जीवियों की तरह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में यौन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद अधिकांश जानवरों में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। लेकिन उम्र बढ़ने का अर्थ क्या है? इस प्रक्रिया के पीछे के संचालक विविध और जटिल होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण अंततः कोशिका की मृत्यु और असामान्य होती है। छोटी उम्र में हम मृत और मर रही कोशिकाओं को बदलने, कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करते हैं। बढ़ते बढ़ते ये प्रक्रिया धीमी होती है। इसके अलावा वृद्ध कोशिकाएं युवा कोशिकाओं के समान कार्य नहीं करती। इससे हमारे शरीर में गिरावट आती है, जिससे अंततः रोग और मृत्यु होती है। अगर ये निरंतर सच है तो जानवरों में उम्र बढ़ने के पैटर्न और जीवनकाल में भारी अंतर क्यों है? इसका उत्तर कई कारकों में होता है, जिनमें पर्यावरण और शरीर का आकार शामिल है। इनसे जानवरों पर अनुकूलित होने के लिए शक्तिशाली विकासात्मक दबाव है और इससे विभिन्न प्रजातियों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अलग होती है। अटलांटिक और आर्कटिक समुद्र की ठंडी गहराई में ग्रीनलैंड शार्क 400 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकती है और आर्कटिक क्लैम कोहॉग 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है। शायद समुद्र में रहने वाले इन प्राचीन प्राणियों में सबसे प्रभावशाली एंटार्क्टिक ग्लास स्पंज है, जो ठंडे पानी में 10,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। इन जैसे ठंडे वातावरणों में दिल की धड़कन और चयापचय की दर धीमी हो जाती है। शोधकर्ताओं की माने तो उम्र की प्रक्रिया के धीमा होने का भी यही कारण है। इस प्रकार पर्यावरण दीर्घ जीविता को गढ़ता है। जब आकार की बात आती है तो अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं, बड़ी प्रजातियों का जीवन छोटी प्रजातियों से अधिक लंबा होता है। जैसे हाथी या व्हेल चूहे मूषक या वोल से अधिक जीवित रहेगी, जो बदले में मक्खियों और कीड़ों से सालों ज्यादा रहते हैं। कीड़े और मक्खियों जैसे कुछ छोटे जानवर भी उनकी कोशिका विभाजन की यांत्रिकी द्वारा सीमित होते हैं। वे ज्यादातर अविभाजित कोशिकाओं के होते हैं और उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अतः वो तेजी से समाप्त हो जाते हैं। और आकार जानवरों में एक शक्तिशाली विकासात्मक संचालक है। छोटे प्राणी शिकारियों के अधिक शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए चूहा जंगल में एक वर्ष से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने छोटे जीवनकाल के खिलाफ एक विकासवादी रक्षा तंत्र की तरह अधिक तेजी से बढ़ने और पुनर्जनन करने के लिए विकसित हुआ है। इसके विपरीत बड़े जानवर शिकारियों को दूर भगाने में बेहतर होते हैं और इसलिए उनके पास बड़े आकार में बढ़ने और अपने जीवन के दौरान कई बार प्रजनन करने का समय होता है। आकार नियम के अपवादों में चमगादड़, पक्षी, छछुंदर और कछुए शामिल हैं, लेकिन प्रत्येक मामले में इनमें अन्य शिकारियों से बचने में सक्षम अनुकूल होते हैं। लेकिन अभी भी समान आकार और आवास विशेषताओं वाले जानवरों की उम्र पूरी तरह से अलग दरों से बढ़ती है। इनमें प्रत्येक जीव की कोशिकाएं खतरों का जवाब देने का आनुवांशिक अंतर अक्सर लंबे जीवन में विसंगतियों के जिम्मेदार हैं। तो ये इन सभी कारकों का संयोजन है जो विभिन्न जानवरों में अलग अलग स्तर पर भूमिका निभा रहा है और जानवरों में हम जो भिन्नता देखते हैं उसकी व्याख्या करता है। तो हमारा क्या? मनुष्य की वर्तमान में औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि हम पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले निवासी होने के करीब भी नहीं हैं। लेकिन हम अपनी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। वर्ष 1900 के आरंभ में मनुष्यों की औसत आयु केवल 50 वर्ष थी। तब से हमने मौत का कारण बनने वाले कई कारकों को प्रबंधित करना सीखा है, जैसे पर्यावरण से संपर्क और पोषण। ये और जीवन प्रत्याशा में अन्य वृद्धि हमें संभवतः पृथ्वी पर अपनी प्राकृतिक स्थिति को नियंत्रित करने वाली प्रजाति बनाती है। जानवरों का साम्राज्य अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से अजीब जीवों से भरा हुआ है। इस वीडियो के साथ हाथी की स्मृति की असाधारण क्षमताओं का पता लगाएं, या इस वीडियो के साथ इसके सबसे शाही जानवरों में से एक बिल्ली के अनुसार दुनिया के इतिहास की खोज करें।